दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आईपीएल 2019 में आरसीबी की टीम ने किया काफी खराब प्रदर्शन, जहां पर ये टीम 6 मैच लगातार हार चुकी थी। वहीं ये टीम टोटल मैच जीती थी 5 और वहीं एक मैच रहा ड्रॉ, और साथ ही ये टीम 11 अंक के साथ 8वें पायदान पर रही, यानी पॉइंट टेबल में सबसे निचले स्थान पर रही ये टीम। और साथ ही इस टीम की सबसे बड़ी समस्या थी इस टीम का बैटिंग ऑर्डर, जो कि काफी कमजोर दिख रहा था अन्य टीमों की तुलना में, जहां पर इस टीम का मिडिल ऑर्डर दिख रहा था काफी कमजोर। इस टीम की दूसरी समस्या थी इस टीम का बॉलिंग, अर्थात इस टीम के बॉलर पूरी तरह से नाकामयाब रहे विकेट लेने में। साथ ही इन्हीं कमियों को पूरी करने के लिए आरसीबी की टीम आईपीएल 2020 के ऑक्शन में कुछ दिग्गज खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कर सकती है। दोस्तों बात करें कौन हो सकते हैं वो दिग्गज खिलाड़ी, तो हम बात करेंगे इस पूरी वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों बात करें नंबर वन पर नाम आता है मिचेल स्टार्क का। जी हाँ दोस्तों, मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी फास्ट बॉलिंग करते हैं, बाएं हाथ के काफ़ी अच्छे तेज गेंदबाज हैं, जो कि पहले भी खेल चुके हैं आरसीबी की टीम से, जहां पर ये आईपीएल में 27 मैच खेले हैं। वहीं इनका इकोनॉमी रहा 7.77 का, और साथ ही उन्होंने 34 विकेट चटकाए, जो कि यह दर्शाता है काफ़ी अच्छे बॉलर हैं और आरसीबी की टीम की बॉलिंग समस्या को सुलझा सकते हैं। बात करें दूसरे खिलाड़ी हैं जेम्स नीसम, जो काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं, काफ़ी बढ़िया ये बॉलिंग करते हैं और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, और साथ ही मिडिल ऑर्डर में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, जो कि एक ऑलराउंडर की काफ़ी अच्छी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आरसीबी की टीम जिमी नीसम को खरीद सकती है। वहीं बात करें तीसरे खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल। जी हाँ दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, जो कि मिडिल ऑर्डर में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, जो कि एक फिनिशर हैं, काफ़ी अच्छी फिनिशर भूमिका अदा कर सकते हैं और साथ ही काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, जहाँ पर ये आईपीएल में 69 मैच खेले हैं। वहीं इन्होंने 95 हाईएस्ट स्कोर बनाया है। वहीं इनका स्ट्राइक रेट रहा 161.13 का, जो कि ये दर्शाता है काफ़ी बढ़िया ये बल्लेबाज हैं। बात करें चौथे खिलाड़ी की, तो चौथे खिलाड़ी एन मॉर्गन। जी हाँ दोस्तों, एन मॉर्गन काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, जो कि पहले भी खेल चुके हैं आईपीएल में, लेकिन ये इस समय का चल रहा है काफ़ी अच्छे फॉर्म में, जहाँ पर ये T20 क्रिकेट में 81 मैच खेले हैं, जहाँ पर 121 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है। वहीं रन बनाए इन्होंने 814, जो कि ये दर्शाता है काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, जो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और साथ ही बाएं हाथ की काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं। तो यहाँ पर आरसीबी की टीम एन मॉर्गन खरीद सकती है और साथ ही अपनी टीम में शामिल कर सकती है। बात करें पाँचवें खिलाड़ी की, तो पाँचवें खिलाड़ी हैं मुस्तफिजुर रहमान। जी हाँ दोस्तों, मुस्तफिजुर रहमान काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, जो कि बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी करते हैं। हालांकि इन्होंने पिछले सीजन नहीं खेला है, साल के आईपीएल 2020 के ऑक्शन में आरसीबी की टीम इन्हें खरीद सकती है और साथ ही अपनी टीम में शामिल कर सकती है, जहां पर ये 30 T20 मैच खेले हैं। भाई इन्होंने 48 विकेट चटका है और साथ ही इनका इकोनॉमी रहा 7.67 का, जो कि ये दर्शाता है काफ़ी अच्छे बॉलर हैं और डेथ ओवर में काफ़ी बढ़िया ये बॉलिंग करते हैं। तो दोस्तों ये रहे वो 5 दिग्गज खिलाड़ी, जो कि आरसीबी की टीम आईपीएल 2020 के ऑक्शन में इन्हें खरीदना चाहेगी और साथ ही अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि और कौन कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तक लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।